बिग बॉस 17 के पहले ही एपिसोड से खूब सारा ड्रामा और लड़ाई झगड़े का मसाला देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के घर में ऐसे तो सभी कंटेस्टेंट अपना अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन विक्की जैन एक बड़ा खेल प्लान करके बैठे हैं। विक्की की फिलहाल हर किसी से घर में पट रही है, लेकिन नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा में से वह सबसे ज्यादा भिड़ते हैं और लड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पोल अब खुल गई है। जी हाँ, और इसकी पोल खोला किसने? जी हाँ, नील भट्ट ने। तो आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। दरअसल बिग बॉस नील भट्ट को मेडिटेशन रूम में बुलाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। नील से बिग बॉस कहते हैं कि पिछले सीजन कई दोस्ती देखी, उनमें सच्चाई भी देखी, लेकिन इस सीजन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा और हमें पता है क्या नजर आ रहा है। तब नील भट्ट बिग बॉस की बात पर कहते हैं, जी जानना चाहूंगा। बिग बॉस आगे कहते हैं कि बाहर क्या हुआ, समझौता नजर आ रहा है, सही कह रहा हूँ या गलत? फिर नील कहते हैं, यह तो वह खुद भी कह चुके हैं। फिर बिग बॉस कहते हैं, हमें लगता है कि विक्की शो में आने से पहले 4-5 लोगों से मिले हैं और उनसे समझौता या पैक्ट बना लिया कि हम मिलकर खेलेंगे। बिग बॉस की बात पूरी होने के बाद नील भट्ट कहते हैं कि 4-5 का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें फोन आया था। फिर बिग बॉस पूछेंगे कि आपसे मिले? फिर नील जवाब में कहेंगे कि मिले तो नहीं, लेकिन उन्हें कॉल आया था। फिर बिग बॉस नील से कहे कि ऐसा लग रहा है कि विक्की ने फिनाले तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां खरीद ली है। सीढ़ियां अपना रोल बखूबी प्ले कर रही है, जिन्हें चढ़कर विक्की आगे बढ़ जाएंगे। फिर बिग बॉस समझाते हैं कि एक लाइन पहले जब आप और ऐश्वर्या डेट पर गए थे तब समझाई थी, फिर दोहराऊंगा, आप दोनों के पास खोने को बहुत कुछ है। इसके बाद नील बाहर आते हैं और ऐश्वर्या शर्मा को सारा माजरा हिंट देते हुए समझाते हैं और सबके सामने, खासकर अंकिता विक्की के सामने, न झगड़ने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से विक्की जो है वो बड़ा गेम प्लान करके आए हैं बिग बॉस के घर में। अब उनका गेम प्लान क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन बिग बॉस को सारा माजरा समझ में आ गया है कि आखिर विक्की क्या चाहते हैं, आखिर घर में उनके सबसे इतनी बनती क्यों है, क्या वो पहले से ही प्लान बनाकर आए हैं बिग बॉस के घर में। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को जरूर दबाइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें।